लेट्स सी कि जो हमारा परसेंटेज कैलकुलेटर है वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेगा। तो कॉमन मिस्टेक जो था गाइस, आप लोगों ने सबने जैसे कि इंटीजर ए यहाँ पर कुछ मार्क्स लिए थे, राइट। जैसे किसी ने 50% लिया था, किसी ने इंटीजर बी लेट्स से 60% लिया था। सो सी गाइस, आपको मार्क्स एक सिंगल वेरिएबल में लेने हैं। ओके, मैं यहाँ पर इंटीजर में भी ले सकता या फिर लेट मी टेक इट इन अ डबल, कोई प्रॉब्लम, चल जाएगा ना। डबल लेट्स से मैं मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, या फिर परसेंटेज नाम का एक काइंड ऑफ परसेंटेज, या फिर लेट्स से लेट्स कीप मार्क्स ओनली, ये मार्क्स हम लोग रख देते, लेट इट बी, लेट्स टेक परसेंटेज। परसेंटेज नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। अभी ये जो परसेंटेज है गाइस, इसमें किसी का कोई भी परसेंटेज हो सकता है। लेट्स से समवन इज गेटिंग 72.51, ऐसा कुछ परसेंटेज है किसी का, फॉर एग्जाम्पल इसके इतने मार्क्स है, इतने परसेंटेज है। अभी ये परसेंटेज फर्स्ट क्लास में है, डिस्टिंक्शन में है, सेकंड क्लास में, पास क्लास में कि फेल है, ये मुझे कंपेयर करना है। तो मैं सबसे पहले इफ कंडीशन लिखूंगा, ये रहा मेरा वेरिएबल गाइस, सिंगल वेरिएबल परसेंटेज। परसेंटेज अगर मैं बोलूंगा परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितना आना चाहिए, 70.5 से ग्रेटर या फिर इक्वल होना चाहिए, राइट गाइस। ये सुनो, अगर परसेंटेज 75% या फिर उससे ज्यादा हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट आई कैन से, आई कैन से कि आप यू गॉट या फिर यू पास विद डिस्टिंक्शन, एम आई राइट गाइस, डिस्टिंक्शन के साथ आप पास हुए हो, एम आई राइट एवरीवन, यू पास विद डिस्टिंक्शन, ऐसा कुछ आप परसेंट, आई मीन यू गाइस कैन प्रिंट इट। एंड सिमिलरली यहां पर मैं आपका जो भी परसेंटेज है ये परसेंटेज मैं प्रिंट कर दूंगा, क्लियर। अगर 75 नहीं आया तो, अगर 75% से ग्रेटर नहीं हुआ तो बट ऑब्वियसली मैं कहाँ पर जाऊंगा, मैं एल्स में जाऊंगा, एम आई राइट, एम आई राइट गाइस। ये सुनो, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर 75% का ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75 से इक्वल, 75% से इक्वल या फिर ग्रेटर होना चाहिए, ये कंडीशन है, तब जाके आपका डिस्टिंक्शन आएगा। अगर नहीं है, आप एल्स में आ गए, तो एल्स के लिए मैं यहाँ पर गई, एल्स के साथ इफ लिख देता हूँ। इफ मैं बोलूंगा कि परसेंटेज परसेंटेज अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60% होना चाहिए, एंड एंड मेरा परसेंटेज जो परसेंटेज है, परसेंटेज शुड बी लेस देन 75% होना चाहिए, हमारा राइट गाइस। यस और नो, यस अगर मेरा परसेंटेज 75% से लेस, मतलब 74.99 भी चलेगा, बट 75 से लेस होना चाहिए, बट ग्रेटर और इक्वल्स टू 60 होना चाहिए। अगर ये हुआ तो व्हाट आई कैन से पास विथ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास करके लिख देते यहाँ पर, फर्स्ट क्लास, आप फर्स्ट क्लास से पास हुए हो, ऐसे बोल सकते हो, है ना। लेट मी गाइस गिव द स्पेस हियर ताकि वो प्रॉपरली प्रिंट करे, अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। ओके, किसी को कंफ्यूजन है गाइस, तो फिलहाल आप इफ के जो ब्रैकेट है इफ के नीचे ही रखो, बाद में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि कैसे उसको अरेंज करना है प्रॉपरली। नाउ हियर मैं अगेन गाइस एल्स इफ लगा दूंगा। एल्स इफ में मैं क्या बोल दूंगा कि जो मेरे परसेंटेज है, अगर मेरे परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 रहे, है ना, 50 रहे, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 रहे एंड मेरे परसेंटेज क्या होने चाहिए, परसेंटेज शुड बी लेस लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन 60 होना चाहिए। मतलब 60 से लेस मतलब कितना हुआ, 59.99 भी चलेगा, राइट। अगर आपके परसेंटेज 60 से लेस है और 50 के इक्वल या फिर 50 से ग्रेटर है, इस रेंज में अगर आपका गाइस परसेंटेज आया तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर व्हाट आई कैन से, सिंपली आई कैन से आई कैन प्रिंट यू पास विद सेकेंड क्लास, करेक्ट एवरीवन, आप सेकेंड क्लास से पास हो गए, ऐसा मैंने कुछ लॉजिक लिखा। अगर ये भी नहीं होता है, मैं यहाँ पर फिर से एल्स इफ लिख दूंगा। एल्स इफ मैं ओके ठीक है, यहाँ पर एल्स इफ लिख देंगे गाइस हम लोग। एल्स इफ में हम कुछ कंडीशन देंगे, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या क्या कंडीशन देंगे कि आपका परसेंटेज, अगर आपका परसेंटेज ग्रेटर देन
इक्वल्स टू 35 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35 है, एंड आपका परसेंटेज परसेंटेज 50 से लेस है, परसेंटेज आपका 50% से लेस है, तो व्हाट आई कैन से, यू आर जस्ट पास, आप जस्ट पास हो चुके हो, जस्ट पास ऐसा बोल देते, पास या फिर सिर्फ पास बोल देते हैं, ओनली पास ऐसा कुछ बोल देते थे, या फिर जस्ट पास जो भी आपको बोलना है यू कैन से। एंड अगर ये नहीं हुआ आप एल्स लिख दो, नहीं तो एल्स इफ लिख दो, जो भी लिखना है, आल से एल्स ओनली गाइज हियर, मैं एल्स, अगर ये कोई भी कंडीशन नहीं मैच हुआ तो आई कैन से फेल, राइट एवरीवन, आई कैन से अगर ये कोई भी कंडीशन नहीं हुआ तो मैं बोल सकता हूँ फेल। तो देखो पोस आपका भी लॉजिक करेक्ट था, मेरा भी लॉजिक सेम ही है ना, कुछ अलग नहीं है, बट शायद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल लिए थे, जिन्होंने भी लिए हैं गाइस, बस इतना सा स्लाइट मॉडिफिकेशन आपको रिक्वायर्ड था जो मैंने आपको यहाँ पर कंफर्म करवाया। नाउ सबसे पहले गाइस ये मार्क्स 72.51% है, ये मार्क्स लेके मैं परसेंटेज यहाँ पर, इन शॉर्ट परसेंटेज के 72.5% यहाँ पर आ गए, 51% यहाँ पर पे आ गए, 72.51 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है कि फॉल्स है, परसेंटेज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 75, फॉल्स है ना गाइस, ये फॉल्स है ना कंडीशन, क्योंकि 72% ना ही इक्वल है ना ही ग्रेटर है 75% का, तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो गया तो मैं इफ वाले कंडीशन में डेफिनेटली नहीं जाने वाला, मैं एल्स वाले कंडीशन में जाऊंगा। योर कंडीशन, दो दो कंडीशन है, एक कंडीशन है कि परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, क्या 72% इक्वल या फिर ग्रेटर देन 60 है कि नहीं है, ये सुनो, तो ये पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एंड गाइस लॉजिकल एंड मल्टीपल कंडीशन को कंपेयर करेगा, परसेंटेज शुड बी लेस देन 75, क्या आपके परसेंटेज लेस देन 75 भी है कि नहीं है, ये सुनो, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो आप इस वाले एल्स इफ में जाओगे, इतना वाला ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एम आई राइट, एम आई राइट गाइस। नाउ लेट मी रन द कोड, लेट मी रन द कोड, यू गाइस कैन सी हियर इट शुड प्रिंट फर्स्ट क्लास एंड माई परसेंटेज एज वेल, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन गाइस, नो राइट, सेम वे गाइस मैं परसेंटेज चेंज करता हूँ, लेट्स से अभी मेरे परसेंटेज है 82.51, अगर ये 82.51 है, पहला ही कंडीशन इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, 75 से ये 82% ग्रेटर है कि नहीं है, ये सुनो, तो ये पहला वाला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है गाइस, तो अगर पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा इट विल प्रिंट कि यू पास विद डिस्टिंक्शन, ये सुनो, सिंपल एज दैट। लेट से गाइस मैं ये परसेंटेज 62%, ओके 62% नहीं लेता हूँ, लेट्स टेक 52%, 52% लेते हैं, अभी ये 52.51, यहाँ पर पहला ही कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा, तो आप इफ में जाने नहीं वाले, आप एल्स में गए, फिर ये एल्स में इफ कंडीशन लगाया आपने, परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है क्या, पहली बात, नो राइट, तो कंडीशन आपका फॉल्स हो गया, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया मतलब एंटायर कंडीशन आपका फॉल्स, तो ये इफ में डेफिनेटली नहीं जाएगा, यहां से नहीं जाएगा, तो ये एल्स इफ पे जाएगा, परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना बोला है यहाँ पे, 50 बोला है, तो ओके 52.51 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 और नॉट, यस और नो, कंडीशन ट्रू है, परसेंटेज इज लेस देन 60, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो दोनों भी कंडीशन मैच हो गया, तो आपका एंटायर कंडीशन ट्रू, तो आप इस वाले ब्लॉक में जाओगे, इट शुड प्रिंट कि यो पास विद सेकेंड क्लास, यस और नो, यस और नो गाइस, डेफिनेटली इट शुड पास, आई मीन इट शुड प्रिंट दिस वन। सिमिलरली गाइस बाकी सारे कंडीशन भी हो जाएगा, यू गाइस कैन सी हियर, लेट मी चेंज द वैल्यू, मैंने 42% कर दिए, तो 42% कर दिए तो वो पास क्लास में जाएगा, जस्ट पास, पास क्लास जो भी है, अगर ये परसेंटेज मैंने 32 कर दिए तो ये क्या कहाँ पर जाएगा, इट विल गो टू द लास्ट वाला एल्स, फेल्ड, गॉट इट, सॉर्टेड है गाइस, कोड सॉर्टेड है, कोई लॉजिक में प्रॉब्लम, मैंने क्या मल्टीपल वेरिएबल लिए कि एक ही वेरिएबल लिया, आई टुक अ सिंगल वेरिएबल। अभी ये गाइस प्रोग्राम अलग था, पहले वाले प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट समझो, कि पहले वाले प्रोग्राम में मुझे मल्टीपल नंबर थे और वो मल्टीपल नंबर को मुझे कंपेयर करना था, दैट इज द रीजन मैंने चार वेरिएबल लिए, बट मार्क्स एक ही स्टूडेंट के मुझे चेक करना है पहले कि वो उसके परसेंटेज कितने आए हैं, तो आप एक ही वेरिएबल लो, एक ही वेरिएबल को कंपेयर करो गाइस, नो नीड टू क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल्स,
गॉट इट? नाउ सिमिलरली एक और कंडीशन लिखेंगे गाइस हम लोग, जो हमारा काइंड ऑफ टैक्स वाला स्लैब था, याद होगा आपको, राइट? तो लेट्स से टैक्स कैलकुलेटर ऐसा कुछ हम लोग बना देते हैं, टैक्स कैलकुलेटर, ठीक है? हमें मेन मेथड की जरूरत है, लेट्स से फिनिश हियर। इनसाइड द टैक्स कैलकुलेटर लेट्स से किसी का सैलरी, गाइस अगेन मैं डबल डबल फॉर्म में सैलरी ले लेता हूँ, क्योंकि पॉइंट में सैलरी हो सकता है। लेट्स से डबल सीटीसी ले लिया मैंने, कॉस्ट टू कंपनी, पूरा पैकेज, पूरे साल का पैकेज कितना है। लेट्स से किसी का पैकेज है 3,72,000, दिस इज द पैकेज गाइस। मैंने एक ही वेरिएबल लिया, आई एम नॉट टेकिंग मल्टीपल वेरिएबल, मैंने एक ही वेरिएबल लिया। नाउ मैं कंडीशन लगाऊंगा कि ये पैकेज के लिए इतने सीटीसी के लिए कॉस्टिंग टैक्सेशन कितना आएगा, ओके? तो इफ लेट्स से गाइस अगर ये मेरा सीटीसी, अगर ये मेरा सीटीसी सीटीसी इज लेस देन, सीटीसी इज लेस देन कितना होना चाहिए, 2,50,000 होना चाहिए। अगर मेरा सीटीसी लेस देन 2,50,000 होगा तो आई कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं बोलूंगा कि नीड टू पे या फिर नो टैक्स, यस यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स, या फिर लेट्स से लेट्स प्रिंट नो टैक्स, नो टैक्स एप्लीकेबल, ऐसा कुछ हम लोग लिख देते हैं, नो टैक्स एप्लीकेबल, है ना? ऐसा हमने कुछ बोल दिया, नो टैक्स एप्लीकेबल। और हम क्या करेंगे, हम ये जो सीटीसी है इस पर्टिकुलर सीटीसी को प्रिंट कर देंगे। तो गाइस ये इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स का लॉजिक आप समझो कि ये सारे सारे स्टेटमेंट आपके कभी भी कंसोल पे प्रिंट नहीं करेगा, इट विल प्रिंट ओनली वन स्टेटमेंट जिस वाले ब्लॉक में आप जाओगे, जो वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसी वाला रिस्पेक्टिव ब्लॉक प्रिंट होगा, बाकी कोई भी ब्लॉक प्रिंट नहीं होने वाले, राइट? तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता मैं एल्स पे जाऊंगा, एल्स मैं इफ लिख दूंगा, एल्स इफ लैडर कर रहे हैं हम लोग गाइस। अगर आपका सैलरी लेट्स से योर सीटीसी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2,50,000 है, अगर आपका सीटीसी 2,50,000 या फिर उससे ज्यादा है, एंड गाइस लॉजिकल एंड आपका सीटीसी शुड बी लेस देन 5,00,000 है, लेस देन 5,00,000 मतलब 4,99,999 इतना भी चल जाएगा ना, ये सुनो 4,99,999 इतना भी चल जाएगा, 0.99 भी चल जाएगा, बट 5,00,000 नहीं चाहिए, 5,00,000 से लेस चाहिए। अगर आप इस स्लैब में आओगे तो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू प्रिंट, यू नीड टू प्रिंट दैट कि जो टैक्स है योर एप्लीकेबल, और लाइक लेट्स से कितना परसेंट, 5% टैक्स इज एप्लीकेबल, 5% टैक्स इज एप्लीकेबल, ऐसा मैंने कुछ मैसेज दे दिया, लेट मी राइट होल स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेबल, सॉरी एप्लीकेबल, एंड हियर लेट मी प्रिंट द सेम स्टेटमेंट, ठीक है? अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होता है, आई विल कम ओवर हियर, एल्स इफ गाइस सी, यहां पर मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा, अगर सीटीसी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5,00,000, 5,00,000 भी चलेगा या फिर 5,00,000 से ज्यादा होना चाहिए, एंड लॉजिकल एंड अगर आपका सीटीसी इज लेस देन इक्वल सॉरी लेस देन 7,50,000, अगर ये कंडीशन है तो व्हाट आई कैन से, आई कैन गो एंड आई कैन प्रिंट, व्हाट आई कैन प्रिंट, आई कैन प्रिंट कि दैट यू आर एप्लीकेबल टू पे 15% ऑफ टैक्स, राइट एवरीवन, यू आर एलिजिबल, जो भी है 15% ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल। अगर ये भी नहीं होता मैं एल्स इफ में जाऊंगा, एक और कंडीशन लगा दूंगा, अगर सीटीसी इज ग्रेटर देन 7, ओके ग्रेटर देन इक्वल्स टू आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7,50,000 एंड 7,50,000 एंड सीटीसी शुड बी लेस देन कितना आना चाहिए मेरा, इट शुड बी 10,00,000। अगर ये कंडीशन मैच हुआ, अगर ये 10,00,000 से नीचे और 7,50,000 से ऊपर या फिर उससे इक्वल इस रेंज में रहा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक क्या प्रिंट करेगा, दैट इज योर एलिजिबल टू पे व्हाट, योर एलिजिबल टू पे 20% ऑफ टैक्स। अगर ये भी नहीं होता है आई कैन राइट डाउन एल्स, उससे आगे जितना भी सैलरी रहे एल्स लिख दूंगा मैं गाइस कि दैट आई कैन से यू नीड टू पे हाउ मच, यू नीड टू पे 30% ऑफ टैक्स, 30% ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, है ना? और आप यहाँ पर हमने सीटीसी प्रिंट किया है, बट आप टैक्स कैलकुलेटर का लॉजिक लगा के इन फ्यूचर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, यू गाइस कैन डू दैट,
है. नाउ लेट्स सी गाइस, ये मेरा सीटीसी है 7 लाख, सॉरी 3,72,000. तो ये सीटीसी 3,72,000 इज लेस देन 2,50,000. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं, फॉल्स. तो आप इफ में नहीं जाओगे, आप एल्स इफ में आओगे. अभी एल्स में आप इफ पे गए, सीटीसी आपका जो सीटीसी है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2,50,000. हाँ, 2,50,000 के ग्रेटर है. पहला वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ. एंड दूसरा वाला गाइस कंडीशन, सीटीसी शुड बी लेस देन 5 लाख. 3,72,000 5 लाख से लेस होता है ना, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. तो अगर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यहाँ पर लॉजिकल एंड है, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो अल्टीमेटली ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो इतना सा ही आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दिस वन, इतना वाला ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक में जाने का कंडीशन आपने यहाँ पर दिया था. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इतना ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. लेट मी रन द कोड, यू गाइस कैन सी हियर, इट विल प्रिंट दैट 5% ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एंड योर सीटीसी इज दिस वन. यू गॉट इट एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? नो क्लियर है राइट? दिस वन हियर गाइस, अगेन लेट मी चेंज द काइंड ऑफ पैकेज. मैं अपना पैकेज चेंज करके 5,72,000 बना देता हूँ. नाउ सबसे पहले 5,72,000 इज लेस देन 2,50,000, कंडीशन थ्रू है ही नहीं, ये यहाँ से बाहर चले जाएगा. इट विल कम समवेयर हियर. नाउ सी टी सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2,50,000. ओके, कंडीशन तो थ्रू है पहला वाला, बट दूसरा वाला सी टी सी शुड बी लेस देन 5 लाख. क्या ये कंडीशन थ्रू होगा क्या इस केस में? ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो आपका ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया. तो फॉल्स हो गया गाइस, अगर पूरा कंडीशन फॉल्स हुआ तो आप इस वाले इफ में जाओगे क्या? विल इट अलाउ यू टू गो इन साइड दिस इफ ब्लॉक? नो राइट, डायरेक्टली यू विल जम्प. यहाँ से आप इस ये इफ के इफ का जो एल्स लिखा है, आप यहाँ पर आ गए. एल्स में आपने फिर से इफ कंडीशन लगाया, नाउ सी टी सी शुड बी ग्रेटर देन 5 लाख. तो अगर सी टी सी आपका 5 लाख से ग्रेटर है, जो कि है कंडीशन थ्रू, एंड सी टी सी शुड बी लेस देन 7,50,000, ये दोनों भी कंडीशन थ्रू है, उस केस में ये आपका इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट, मतलब इन शॉर्ट कंडीशन थ्रू हो गया. आप इफ कंडीशन थ्रू होता है तो आप इस वाले ब्लॉक में जाओगे. इट विल प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 15% टैक्स इज एप्लीकेबल. यू गाइस कैन सी हियर, एक ही टैक्स आपका एप्लीकेबल होगा, नॉट द एवरी वन. ठीक है, आई नो कि टैक्सेशन का कैलकुलेशन अलग होता है गाइस, उसको छोड़ दो. फिलहाल हम अपने मर्जी से थोड़ा सा लॉजिक समझने का ट्राई कर रहे हैं. आई नो कि टैक्स सिस्टम ऐसे वर्क नहीं करता है, वो उसको गाइस स्किप कर दो. हम अपना फिलहाल लॉजिक लगा रहे हैं. इन फ्यूचर आप ये बेसिक सीख जाओगे तो जो कॉम्प्लेक्स टैक्स कैलकुलेशन है वो भी सीख जाओगे, डोंट वरी. ठीक है, नाउ गाइस मैं फिर से सैलरी पैकेज चेंज कर देता हूँ. लेट से यहाँ पर मैंने 7,72,000 ले लिया, तो ये सारे कंडीशन आपके फेल हो जाएंगे. यू नो इट वेरी वेल राइट, ये वाला भी कंडीशन फेल हो जाएगा. नाउ सी टी सी इज ग्रेटर देन 7,50,000, हाँ है, एंड सी टी सी इज लेस देन 10 लाख, यस ये भी है, तो यही वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा. एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट हाउ मच? इट इज गोइंग टू प्रिंट दैट यू आर एलिजिबल टू पे, और यू नीड टू पे 20% ऑफ टैक्स. आपके सैलरी पे 20% टैक्स एप्लीकेबल है. अगर मैं ये चेंज करके गाइस, लेट से मैं 10,72,000 का पैकेज बनाता हूँ और ये कोई भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा एंड इट विल प्रिंट दैट 30% ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल. यू गॉट इट एवरी वन? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन किसी को? कोई भी कन्फ्यूजन है गाइस? आर वी गुड एवरी वन? सबसे पहले गाइस लेट मी एक्सप्लेन यू वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कल हमने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था एल्स इफ लैडर पे. तो ये एल्स इफ लैडर कैसे वर्क करता है? एल्स इफ लैडर का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है गाइस, आप पहले इफ देते हो, इफ वाले ब्रैकेट में आप कंडीशन दे दोगे. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आप कौन से वाले ब्लॉक में जाओगे? डेफिनेटली आप इस वाले इफ वाले ब्लॉक में जाने वाले हो. ये सुनो, अगर आपका ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो, अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा तो आप कहाँ पर जाओगे? यू विल गो टू, आई मीन योर कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू द एल्स ब्लॉक. एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? बट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ आप इफ में गए, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ आप एल्स में गए. बट ये एल्स के साथ आप एल्स पे कब आने वाले हो? जब आपका पहला वाला कंडीशन क्या होने वाला है? फॉल्स. आपका फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हुआ,
अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हुआ तो आप इफ वाले ब्लॉक में जा ही नहीं पाओगे, आप एल्स में जाओगे। इस एल्स ब्लॉक में यहाँ पर गाइस फिर से आप इफ कंडीशन लगाते हो। तो गाइस ये एल्स इफ पे कब आएगा, जब पहला वाला कंडीशन क्या होगा, पहला वाला कंडीशन शुड बी फॉल्स, उसी केस में आप एल्स में आओगे कि नहीं आओगे ये सुनो। और इस एल्स के साथ आपने इफ कंडीशन लगाया है, फिर ये कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हुआ तो आप इस वाले इफ वाले ब्लॉक में जा पाओगे क्या, विल योर प्रोग्राम विल अलाउ यू टू यू नो मूव योर कंट्रोल इनसाइड दिस ब्लॉक, नो राइट नाउ गाइस। अगर ये भी फेल होता है तो उसके लिए इस वाले इफ के लिए, इस वाले इफ के लिए आपने एल्स ब्लॉक लगाया है, ये आपका एल्स ब्लॉक था, दिस इज योर एल्स ब्लॉक, ठीक है, ये आपका एल्स ब्लॉक है। अभी इस वाले एल्स ब्लॉक में, इस वाले एल्स ब्लॉक में आपको जाने के लिए आपने कंडीशन देना है, आप फिर से इफ ब्रैकेट में दे दोगे कंडीशन लाइक दिस, यू विल गिव द कंडीशन, अगर ये एल्स एल्स में तब जाएगा जब, सबसे पहले गाइस सीक्वेंस समझो, ये वाला इफ फेल हुआ, इफ के अंडर का ये कंडीशन फेल हुआ तो ही आपका कंट्रोल एल्स में शिफ्ट होगा, ये एल्स में, और ये एल्स में आपने फिर से इफ कंडीशन लगाया है, तो ये एल्स पे कब आया, जब पहला वाला इफ वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, एल्स पे आया बट एल्स में आपने इफ कंडीशन लगाया है। अभी अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होगा, ये भी कंडीशन फॉल्स होगा तो डेफिनेटली आपका कंट्रोल इस वाले इफ ब्लॉक में नहीं जाने वाला, ये इफ का जो एल्स ब्लॉक आपने लिखा है यहाँ पर जाएगा। इस एल्स में एल्स ब्लॉक को भी आपने कंडीशन लगाया बाय यूजिंग द इफ स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होता है तो डेफिनेटली आप इस ब्लॉक में नहीं जा पाओगे, बट अगर ये कंडीशन थ्रू हुआ तो डेफिनेटली आप इस ब्लॉक में जाओगे। लेट्स से कि ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो फॉल्स हुआ तो इसके लिए गाइज आपका एल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। अगर इस एल्स में जाने के लिए आपको फिर से कंडीशन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू पुट अनादर इफ स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपका एल्स इफ लैडर चलता है गाइस। तो इसको एल्स इफ लैडर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एल्स पार्ट होता है, एल्स पार्ट को आप इफ से कंबाइन कर देते हो, एल्स पार्ट को आप इफ से कंबाइन कर देते हो, एल्स पार्ट को गाइस आप डेफिनेटली अलग अलग एल्स इफ से कंबाइन कर देते हो, इसीलिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एल्स इफ लैडर बोला जाता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर एवरीवन, यू गॉट इट, ठीक है। सो आई विल गिव यू सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज टुडेज एज वेल, टुडे एज वेल। तो आपको एक्टिविटी ऐसा रहेगा गाइस, किसी का एज है, एक ही एज लेना है गाइस, बार बार अलग अलग वेरिएबल नहीं लेने, एक ही एज लेना है, एक सिंगल वेरिएबल, उस वेरिएबल को आप कंपेयर करोगे कि वो पर्टिकुलर एज, लेट्स से 0 to 13 के एज, लेट्स से 0 से लेके 12 तक आया, 0 से लेके 12 तक आया, दैट इज 13 से अगर लेस देन एज रहेगा तो आना चाहिए कि दैट पर्टिकुलर आई मीन जो एज है ही इज इनटू चाइल्ड एज, वो चाइल्ड के कैटेगरी में आना चाहिए। अगर किसी का एज 13 से लेकर 19 तक के रेंज में आता है तो वो टीनेजर आना चाहिए। अगर वो 20 से लेके लेट्स से 20 से लेके काइंड ऑफ 64, लेट्स से 20 से लेके गाइस 64 तक आता है तो वो अडल्ट आना चाहिए। 65 से ऊपर जो भी रहेगा वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी आना चाहिए। कर पाओगे एवरीवन, विल यू बी एबल टू डू दैट? यस राइट। लेट्स से कोई एक और टास्क मैं ऐसे दे देता हूँ, लेट्स से कोई व्हीकल है, कोई भी एक ही व्हीकल है, उस व्हीकल का स्पीड जो है उस स्पीड लिमिट पे उसका माइलेज या फिर उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो अगर आपका स्पीड 0 से लेके लेट्स से दैट इज 0 से ग्रेटर होना चाहिए, दैट इज 1 से लेके लेट्स से 30 तक रहेगा आपका स्पीड, किलोमीटर पर आर के स्पीड का रहेगा, अगर वो उस रेंज में आता है तो लेट्स से किसी लेट्स से हम लोग कार या फिर बाइक जो भी देना आपको, उसका एवरेज आप सर्टन कंडीशन पे दोगे कि उसको एवरेज मिलेगा लेट्स से 10 किलोमीटर पर आर का एवरेज मिलेगा। अगर आपका स्पीड 31 से लेके 50 के रेंज में है, 31 से लेके 50 के एज में है तो आपका एवरेज रहेगा लेट्स से 25 किलोमीटर पर आवर का आपको एवरेज मिलेगा। अगर आपका स्पीड 50 से लेके 80 तक के रेंज में है तो आपको 20 किलोमीटर पर आवर का एवरेज मिलेगा।
है ना, अगर आपका स्पीड 80 से लेके 120 तक है तो अगेन आपको 10 किलोमीटर पर आवर का एवरेज मिलेगा, अगर आपका स्पीड 120 से ज्यादा है तो आपको 5 किलोमीटर का एवरेज मिलेगा। ऐसा कोई भी गाइस, आई डोंट नीड कि एग्जैक्टली आप आउटपुट क्या प्रिंट कर रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आउटपुट, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड आप कंडीशन कैसे बना रहे हो। इज दैट क्लियर एवरी वन? यू गॉट इट राइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी